the best FIFA awards 2021 जो कि हाल ही में अनाउंस किए गए थे, जिसमें बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर्स को सम्मानित किया गया था। तो कुछ कैटेगरी के नाम मैं लेना चाहूँगा। तो पहला कैटेगरी द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड रॉबर्ट लेवाडोस्की ने जीता है। जी हाँ, वो पोलैंड के हैं। वही द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड एलेक्सिया पोदलास ने जीता है, जो स्पेन की हैं। वही द बेस्ट फीफा गोलकीपर जो कि है एडवर्ड मेंडी, उन्होंने जीता है। और द बेस्ट फीफा वुमेन गोलकीपर इसे क्रिस्टियाना एल्डर ने जीता है, क्रिस्टियाना एंडलर। वही द बेस्ट फैन अवार्ड जीता है डेनमार्क और फिनलैंड के फैंस ने। ये कॉम्बो अवार्ड था, तो दोनों के फैंस ने जीता है। और जहाँ कि आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना ये इवेंट हो ही नहीं सकता था, तो उन्होंने भी बेस्ट स्पेशल अवार्ड फीफा का जीता। अगर हम बात करें और भी अवार्ड्स की, तो उसमें पुरस्कार अवार्ड जीता है एरिक लमेना ने, और फेयर प्ले अवार्ड जीता है डेनमार्क नेशनल टीम के स्टाफ ने। वही हम बात करें फीफा फिफ प्रो मेंस वर्ल्ड 11 की, तो उसमें है डोनारूमा, डायस, बोनो की अलाबा, जॉर्गिनो कांते, डे ब्रुइन, रोनाल्डो, हालैंड, लेवाडोस्की एंड मेसी। अब वही अगर हम फीमेल कैटेगरी में इसकी बात करें, तो लूसी ब्रॉन्स, क्रिस्टियन एंडलर, वेंडी रेनार्ड, मैगडलेना एरिक्सन, मिली ब्राइट, स्टेफानिया बनिनी, बर्बरा बोनांसी, कार्ली लॉयड, मार्टा, विवियन मेडीमा,